हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले काफी बयान दे चुके हैं, उनमें से एक बयान अब आप सुनिए। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। हमने प्रधानमंत्री का ये बयान क्यों सुनाया, अब इसके बारे में बताते हैं। देश में राफेल एक बार फिर सुर्खियां बन रहा है। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर पक्ष और विपक्ष में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ताजा विवाद फ्रांसीसी पोर्टल मीडियापार्ट की एक खबर को लेकर है, जिसमें राफेल सौदे में 11 लाख यूरो यानी मौजूदा मूल्य के हिसाब से लगभग 9.5 करोड़ रुपए की दलाली का दावा किया गया है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी है। मीडियापार्ट की खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से सवाल किए हैं। जानते हैं कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में अब ये अनिवार्य है हमारे देश में कि एक इंटेग्रिटी क्लॉज होगी हर रक्षा खरीद सौदे के अंदर, और उसमें बिचौलियों की मौजूदगी, रिश्वतखोरी और कमीशन देने का आदान प्रदान प्रतिबंधित है। और अगर कोई रक्षा कंपनी जो हिंदुस्तान की सरकार को रक्षा उपकरण बेच रही है, अगर ये साबित हो गया कि उसने बिचौलिए रखे, कमीशन खोरी की या फिर रिश्वत दी, तो पहला FIR दर्ज होगी, वो सौदा खारिज कर दिया जाएगा, उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ जांच होगी। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी जिसे AFA कहते हैं, उसने जब डसॉल्ट कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है राफेल, उसका ऑडिट किया, तो उसमें पाया कि 23 सितंबर 2016 के चंद महीनों के या दिनों के अंदर राफेल ने 1.1 मिलियन यूरो एक मिडलमैन को दिए थे। 1.1 मिलियन यूरो एक मिडलमैन को दिए, और ये सारा एक्सपेंडिचर जो है इसे गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने दी और सरकार पर कुछ सवाल भी उठाए। फ्रेंच एंटी करप्शन अथॉरिटी AFA ने राफेल बनाने वाली कंपनी दसों की ऑडिट के दौरान पाया कि इस सौदे के लिए 1 मिलियन यूरो की पेमेंट उस व्यक्ति को दी गई जिसकी जांच भारत सरकार किसी दूसरे मामले में कर रही है। इसी बिचौलिए को करीब 8.5 करोड़ से अधिक के पेमेंट होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया पार्ट का दावा है कि भले ही भारत और फ्रांस की सरकारों ने इन मामलों को दबा दिया, लेकिन अनगिनत पन्नों की पड़ताल से पता चलता है कि करप्शन हुआ था। भारत के जिस बिचौलिए को पेमेंट देने की बात हो रही है उसका नाम मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम है। तो इस सिलसिले में स्क्रोल की रिपोर्ट है कि डेफिसिट सॉल्यूशन के मालिक सुषेण गुप्ता को मार्च 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, अगस्टा वेस्टलैंड के केस में। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। सीनियर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो के जरिए कुछ अहम सवाल उठाए हैं और CAG पर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। आप खुद सुनिए वे राफेल को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। CAG जिसका की काम है हर मिनिस्ट्री के ऑडिट को करना, वहां पर जो भी डीलिंग्स होती है, जो भी खर्चे होते हैं, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौदे होते हैं, उन खर्चों की ऑडिट करके वो जानकारी देती है। और CAG ने यह काम अच्छा किया था। अच्छा किया था या बुरा किया था जब 2G स्कैम आया था, क्योंकि उसको लेकर क्या था, वो परसेप्शन था या क्या था, फिर वो एक अलग हिस्सा है। कोयला घोटाला भी इसी रूप में सामने आया था, लेकिन CAG ये काम करती रही है और CAG को एक बेस माना जाता रहा है। लेकिन इस दौर में तमाम मिनिस्ट्रियों के भीतर में जो भी ऑडिट की परिस्थिति होती है उसमें राफेल वाला हिस्सा गायब है, उसको लेकर कोई रिपोर्ट CAG भी नहीं दी। इसके मतलब मायने क्या है, क्योंकि एक तरफ झटके में यह बात आई कि क्लाइंट को, जो भारत का क्लाइंट था, जो भारत की एक डिफेंस से जुड़ी कंपनी थी, उसको 1 मिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिए गए। 2019 के चुनावों में राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर भाजपा सरकार की काफी आलोचना भी की थी। अभी भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, कर्म किए कराए का भई खाता, इससे कोई नहीं बच सकता,
#Rafael। प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण चौरी ने राफेल सौदे को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। न्यायालय ने अपने फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसकी जानकारी प्रशांत भूषण ने दी। और अब मीडिया पार्ट की ताज़ा आई रिपोर्ट के बाद कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड कंप्लेंट दी थी और बहुत सारे प्रोसीजरल वायलेशंस भी थे सीबीआई डायरेक्टर को। जब सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इसको एग्जामिन कर रहे थे, उनके टेबल पर हमारी कंप्लेंट, मेरी, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की कंप्लेंट उनके टेबल पर रखी थी और वो इस पर फैसला करने वाले थे, उसी समय रातों रात उनको निलंबित कर दिया और उनका दफ्तर सील कर दिया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भाई इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाइए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफे में कुछ दिया। बाद में पता लगा कि उस बंद लिफाफे में सरकार ने ये लिखा कि जी इसका तो सीएजी ऑडिट हो चुका है इस सौदे का, और सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करी जा चुकी है, उसका खुलासा भी हो चुका है और उसमें पाया गया है कि बिल्कुल ठीक सौदा है, लेकिन उस रिपोर्ट से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। बाद में पता लगा और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे उनकी खंडपीठ ने। बाद में ये पता लगा कि ये सीएजी की तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं, आई ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। हमने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, उसके बाद ये सीएजी की रिपोर्ट आती है और आश्चर्य की बात कि इतिहास में पहली बार सीएजी की रिपोर्ट से एक रक्षा सौदे के ऑडिट के प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए जाते हैं। राफेल सौदे में दलाली का दावा सामने आ रहा है, पर प्रधानमंत्री मोदी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाजपा सरकार ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके पीछे फ्रांस में कॉरपोरेट लड़ाई की और इशारा किया और कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी की। कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉरपोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसने सुषेण गुप्ता का नाम लिया है, सुषेण गुप्ता। ये गुप्ता महाशय कौन है जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था? कब किया था? 2019 में, तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा? भाजपा के जवाब के बाद वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने रविशंकर प्रसाद द्वारा दिए जवाबों पर कुछ सवाल भी खड़े किए। और जब भारतीय जनता पार्टी से फ्रांस की इस खबर पर प्रतिक्रिया मानी जाती है तो ये शख्स माननीय रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस मामले की जांच पहले ही सुप्रीम कोर्ट और सीएजी कर चुकी है, इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये तो समझ सकता हूं रविशंकर प्रसाद कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप तो अनिल अंबानी के भी प्रवक्ता हो गए, मगर आप फ्रांस की कंपनी डासो जो हमारा पार्टनर है रफाल में, उसकी प्रवक्ता कब से हो गए भाई? इस पर सवाल कोई और नहीं बल्कि एक फ्रांस की मीडिया एजेंसी कर रही है मीडिया पार्ट, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA के सवालों के आधार पर। अब ये बिचौलिया कौन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों? ये है सुषेण गुप्ता और यहां आप देख सकते हैं ये शख्स जो है खड़ा हुआ है सदगुरु के साथ। जी हां, डायमेंशन वाले सदगुरु के साथ। और यही नहीं दोस्तों, ये वो शख्स है जिसे ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
कुछ महीनों के बाद राफेल अब एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। अब इसको लेकर और कितने खुलासे होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।